अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ हैदराबादी मटन मरक की रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ले रही हूँ एक कुकर। इसमें डालूँगी थोड़ा सा घी और थोड़ा सा तेल, इसे अच्छे से गर्म होने दूँगी। फिर इसमें डालूँगी एक बारीक कटी हुई प्याज, इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लूँगी इसमें। फिर इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी मटन। यहाँ पर मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मटन लिया है। फिर इसमें डालूँगी मैं इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च। इसे हल्का सा भून लूँगी और दूसरी साइड मैं बना लूँगी हरी मिर्च का पेस्ट। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। इन सब का पेस्ट बनाकर एक साइड में रख दूँगी। और मटन में अब शामिल करूँगी मैं थोड़ी सी हल्दी, नमक और ये ग्रीन चिली का पेस्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा हरी मिर्च। अब मैं इसे ढक्कन ढककर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि हरी मिर्च का जो पेस्ट है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा दही। यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा दही डालिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फिर इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी। अब हम मटन को गला लेंगे। जब तक ये गल रहा है, हम एक काजू का पेस्ट बना कर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा दूध और इसमें शामिल करूँगी थोड़े से काजू और इसका एक पेस्ट बना कर साइड में रख दूँगी। यहाँ पर मटन गल चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी ये काजू का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया तकरीबन 3 गिलास पानी और थोड़ा सा काले मिर्च का पाउडर, और इसे पकने के लिए रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। आप इसे जितना पकाएंगे इसका टेस्ट उतना बढ़ जाएगा, तो लो फ्लेम पर इसे रख दीजिएगा तकरीबन 20-25 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने फ़्रेश क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मुझे बग़ैर फ्रेश क्रीम के ही बहुत मज़े का लगता है। तो अगर आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर ये अच्छे से पक चुका है और साइड से तेल छूट चुका है। मैं इसे सर्व कर लूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलती हूँ, हाज़िर होंगी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।